रहने वाले भी कर रहे हैं, ट्वीटें कर रहे हैं साबर शाकर से, लेकिन पता नहीं क्यों क्यों। अच्छा, 27 मार्च को हुकूमत जलसा कर रही है, 23 को अपोजिशन के लोग पहुंच रहे हैं, बल्कि अभी शायद 24 की रात और 25 की सुबह कह दिया। शहबाज गिल साहब ने कहा कि हमारे लोग 22 को ही पहुंच जाएंगे। अगर शहबाज गिल साहब के 22 के पहुंच जाएंगे तो आप लोग 24 क्यों पहुंच रहे हैं? वो और एहतियात नहीं कर रहे मेहमानों को इज्जत देने में जो आ रहे हैं दूसरे मुल्कों के सरबराहान, तो आप लोग क्यों 24 को जा रहे हैं? हम तो कर रहे हैं जी, हमने इसीलिए 24 और 25 की बात की है, लेकिन जी शहबाज गिल को मेरा एक खुला मशवरा है कि उस दिन फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर घुस के ना बैठे, अपनी पेस्ट्री और बदरों के साथ बाहर मैदान में आए, क्योंकि हम तो मैदान में होंगे और हम पहुंचेंगे, और वो पेस्ट्रियां बर्गर कैसे भगाने हैं ये आप हम पे छोड़ दें। बिल्कुल ठीक है। कैसे? अच्छा, ये फवाद चौरी साहब ने एक बड़ा सख्त इंटरव्यू दिया कि 10 लाख के मजमे से गुजर कर जाना पड़ेगा वोट डालकर और वापस भी। ये धमकी आप लोगों के लिए है या अपने लोगों के लिए है? खाली बर्तन बज रहा है बहुत जोर जोर से। फवाद चौधरी की खुद की हालत यह है कि अपनी इलेक्शन कैंपेन में उसके से उससे 1000 बंदा इकट्ठा नहीं हुआ था इमरान खान के जलसे के लिए, और आरटीएस का भला हो कि उसने इसको जिता भी दिया और इसको वफाकी वजीर भी बना दिया। तो फवाद चौधरी अपनी खातिर जमा रखे, हम अपने एमएनए को हर सूरत हाल में कवर देंगे, अपने एमएनए को हाउस के अंदर पहुंचाएंगे, और ये फवाद चौधरी जो है ये देखता रह जाएगा। ये इनकी बड़ी बड़के सुनी हुई है, वो इनको इनकी इनका अगर आपने हालत देखनी है तो वो हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, फिर जब लोग निकलते हैं फिर झाग की तरह बैठ जाते हैं। तो मैं तो इनको कह रही हूँ कि फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं घुसेगा उस दिन कोई, उस दिन ये सब बाहर रहेंगे ग्राउंड के अंदर डी चौक में, फिर ये सब मौजूद रहिएगा क्योंकि हम वहां मौजूद होंगे, फिर हम देखेंगे आप किस एमएनए को रोकते हैं और कैसे रोकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोगों का नाम लिया जाता है कि वो पीएमएलएन का टिकट चाहते हैं, पीएम लाना चाहते हैं, कभी कभी फवाद चोरी के बारे में सुनते हैं, कोई है ऐसी तोबा, खबर के? वो दोबारा बेचारा पैदा भी हो जाए तो उसको टिकट नहीं मिलता, और ये कोशिश वो आज से नहीं कर रहा, ये कोशिश वो हर दौर से कर रहा है, लेकिन उसको कभी भी जो है वो पार्टी ने ओबलाइज नहीं किया इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, और ये चौथी पार्टी के इंतजार में है, ऐसा होगा नहीं। फवाद चौधरी बेचारा जो है वो पहली और आखिरी दफा गलती से एमएनए बन गया था, अब उसको अल्टीमेटली जो है वो जो टाउटी किया करता था ये अब उसको वकीलों की वो टाउटी करनी पड़ेगी, अब यहाँ पे इसका रोटी पानी मोक गया है जी, दाना कहते हैं ना वो लेकिन पानी दाना मोक गया है, बस वो बलाल है अभी अभी भी ट्राई कर रहे हैं वो किसी ना किसी तरह से नूल में आने की। जी। हाँ जी हाँ, राणा सनाउल्ला साहब ने कहा भी एक इंटरव्यू के अंदर, जी और बल्कि यहाँ तो हालत यह है कि इनके बहुत सारे मिनिस्टर्स टीवी प्रोग्राम में एमएनए हमारे साथ होते हैं और बाद में निकल के जो है वो कहते हैं कि जी हमारी बातों को ज्यादा सीरियस ना लीजिएगा, हमारे लिए जगह बनाए। नून लीग का टिकट तो हॉट केक है, अल्लाह के करम से मैं बड़ा बोल नहीं बोलती, परवरदिगार का एहसान है, ये उसका कमाल है, और मियां नवाज शरीफ साहब की जो है वो सबर और वो बात है जिसमें उन्होंने कहा था मैं अपना फैसला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूँ, तो आज अल्लाह का इंसाफ जो है वो देखा जा रहा है कि आज भी सियासत मियां नवाज शरीफ के इर्द गिर्द घूम रही है, और मियां नवाज शरीफ को पार्लियामेंट से बाहर निकालने वाले आज जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जो है मियां नवाज शरीफ के मोहताज हैं, और इंशाल्लाह ताला अगला जो पूरा सिनेरियो है पॉलिटिकल वो भी मियां साहब के जो है वो उसमें होगा, और मियां साहब जो फैसला फरमाएंगे उसके ऊपर अमल दरामद होगा, लेकिन इन जैसे अजली लोटों की मैं नहीं समझती कि पार्टी में कोई गुंजाइश है, जिन्होंने गलती की जो ब्लैकमेल हुए जिनको टेलीफोने आई जिनको धमकियां दी गई उनके बारे में तो शायद सॉफ्ट कॉर्नर लिया जा सकता है, लेकिन इन जैसे अजली लोटों के लिए नो स्पेस मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक है। शेख रशीद साहब के भतीजे के बारे है। में खबर है अरे कि उन्होंने भी कोशिश की है कि शेख रशीद साहब अपने भतीजा जो है नून लीग में फिट कर दें। उनका आजकल अल्लाह अल्लाह करने का टाइम है, उनको वही करने दें, जो जितने उनके लंबी चार्जशीट है उनके 900 से भी पता नहीं 9900 पूरे हो गए, तो उनको मेरा ख्याल है कि अब वो जो है माफिया मांगनी चाहिए अपने अमाल की उनका सियासत में, और वो खुद भी कहते हैं उनको पता है वो जानते हैं, वो जो आपको याद है वो मैं 7 दफा वजीर रहा हूँ, और उसको ये भूल जाता है कि 7 दफा में से 5 दफा वजीर तुम मियाँ नवाज शरीफ की वजह से बने थे, और उसके बाद एक दफा मुशर्रफ की वजह से बने और एक दफा तुम इमरान खान की वजह से बने, सो ये उसकी जो वो कहता है ना उसकी उसकी सियासत नाला लई में जो है वो इंशाल्लाह ताला हम दफन करेंगे, और इसी 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 दौरे हुकूमत में दफन करेंगे, इस जैसे गंदे किरदारों की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से अब उसको पाक हो जाना चाहिए, और इन जैसे किरदारों के से अब जान छूट जाए तो बेहतर है, तभी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पाक हो सकती है। लेकिन वो कहते हैं कि वो उनका ख्वाब सिर्फ एक रहेगा कि वो नाला लई का मसला हल करके तो रिटायरमेंट ले लेंगे, और आप कह रहे हैं उनको दफन कर देंगे। चले अच्छा मैम, एक बात बताएं आखिर में जरा, अगर अदालत मना कर देती है दोनों फरीकों को, दोनों पार्टियों को, कि जलसा ना करें, कैसे देखती है इस किस्म का?